डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल छतरपुर पहुंचे और उन्होंने शासन माता के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और आयोजन समिति के सदस्य कमल जैन ने बताया कि सुबह से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था और उन्हें आचार्य श्री द्वारा बांसवाड़ी का श्रवण कराया जा रहा था, इसी बीच उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की। इसके बाद आचार्य श्री शासन माता साध्वी प्रमुख जी के लिए पंच दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान करने की घोषणा की गई। हजारों श्रद्धालु शासन माता के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के तमाम लोगों की ओर से मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं और यहाँ इसीलिए मैं आया था। और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हुए हैं जिस समय में शासन माता जी ने अपनी यात्रा इस धरती पर रखी, अपने चरण रखे और तीन तीन दिव्य आचार्यों का सानिध्य उनको शिष्यत्व के रूप में, ज्ञान के रूप में मिला, ये उनके लिए और हम सब के लिए सौभाग्य। पूर्वी दिल्ली के लोगों की इच्छा थी कि ये जो उनकी धार्मिक यात्रा है जिसका समापन दिल्ली में होना है वो पूर्वी दिल्ली में आए, ये पूर्वी दिल्ली के लोगों की परम इच्छा थी और आज गुरुवार ने उसको पूर्ण किया। हम गदगद हैं, क्यों नहीं आएंगे? एक इतनी बड़ी महान विभूति, उसकी श्रद्धांजलि सभा है और वो क्यों नहीं आएंगे? वो है, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा। 17 मार्च 2022 को सूर्योदय के साथ ही लगभग 8:45 पर एक अध्यात्म जगत का महान सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक असाधारण व्यक्तित्व, एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उन्होंने अध्यात्म, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान दिया। यह सिर्फ जैन समाज की ही क्षति नहीं, संपूर्ण अध्यात्म जगत की क्षति है। दिल्ली वालों का बड़ा सौभाग्य है आज कि हमेशा जब साध्वी प्रमुखा जी यहाँ पर आती थी बहुत खुशी होती थी, तब जाती थी बहुत दुख होता था। अब दिल्लीवासी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, अब के जो लेके आए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना उन्होंने शरीर निछावर भी यहाँ कर दिया कि हमेशा सारी उम्र ताउम्र हमारे पास रहेगी। ऐसा कोई बलिदान दिल्ली वालों के लिए जो दिया है, ऐसा पारितोष, ऐसा इनाम दिल्ली वालों को मिलना बड़ा मुश्किल है। हमको धन्य कर गई और एक दिल्ली को तेरापन समाज का तीर्थ बना गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।